जब युवराज सिंह को लेकर भिड़ गई शमिता शेट्टी और किम शर्मा शर्मा आए। क्रिकेटर युवराज सिंह फिल्मी एक्ट्रेसेज के बीच काफी पॉपुलर रहे हैं। फिल्मी पार्टियों में अक्सर शामिल होना और अभिनेत्रियों से दोस्ती उनकी खास आदतों में शुमार रहा है। एक ही समय में कई अभिनेत्रियों से उनकी नजदीकियां चर्चा में रही और विवादों का कारण भी बनी। साल 2006 में युवराज सिंह अपने इस शगल के कारण तब विवादों में आ गए जब किम शर्मा और शमिता शेट्टी एक पार्टी के दौरान युवराज को लेकर आपस में भिड़ गयी। किम शर्मा और युवराज सिंह की नजदीकियां उन दिनों मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। उन दिनों किम हर जगह युवराज के साथ साए की तरह नजर आती थी। शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी और किम शर्मा की अच्छी दोस्ती थी। इसलिए जब किम को किसी पार्टी में जाना होता तो वो शमिता को जरूर साथ लेकर जाती थी। ऐसी ही किसी पार्टी में किम शर्मा ने शमिता को युवराज सिंह से मिलवा दिया। युवराज की शख्सियत से शमिता शेट्टी इतनी प्रभावित हुई कि दोनों एक कोने में जाकर बातें करने लगे और किम दूर खड़ी रहकर उनका इंतजार करती रही। बातचीत लंबी खींचती देख किम शर्मा का पारा चढ़ने लगा। आखिरकार किम का सब्र छलक ही गया और वो दोनों के बीच आ खड़ी हुई, जिसके बाद युवराज और शमिता दोनों चुप हो गए। इस चुप्पी का किम शर्मा ने क्या मतलब निकाला ये तो पता नहीं, लेकिन उसने शमिता शेट्टी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बात आगे बढ़ती देख युवराज सिंह वहां से चुपचाप खिसक लिए और किम शर्मा और शमिता शेट्टी खिसियानी बिल की तरह खंभा नोचते रहे। दोनों को झगड़ते देख दोनों को दोस्तों ने मिलकर अलग किया, लेकिन तब तक दोनों पार्टी के रंग में भंग कर चुके थे। इस घटना के बाद भी युवराज ने शमिता शेट्टी से रابطہ बनाए रखा, जिसकी वजह से युवराज के बर्थडे के दिन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, जहां युवराज के माता पिता भी मौजूद थे। युवराज की मां पूर्णिमा सिंह ने अगले ही दिन युवराज और किम शर्मा की शादी की खबर को महज अफवाह बताते हुए संकेत दे दिया कि अब इस संबंध का क्या हश्र होने वाला है। आखिरकार हुआ भी वही, जल्द ही किम शर्मा और युवराज सिंह के संबंध समाप्त हो गए। किम शर्मा ने एक अफ्रीकन कारोबारी से शादी कर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इन दिनों तलाकशुदा किम शर्मा मुंबई में फिर से अपनी जमीन तलाश करने में जुटी हुई है।